नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो टुडे आई डू अ वॉइस ओवर फॉर कनिकास मेकअप रूटीन। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे जेंटल लोशन, थोड़ा सा हाथ में लेके और इसको लगाएंगे चेहरे पे। इतना ज़्यादा क्यों लगाना है, आई स्टिल डोंट गेट इट, बट दिस इज़ हाउ मेकअप गोज। पूरा इसको रब करके मॉइस्चराइज करके स्किन को गोरा होने के लिए। अगेन सेकेंड क्रीम हमारी है ब्राउन कलर की, इसको भी फेस पे लगाएंगे, थोड़ा कम कम लगाएंगे, शायद थोड़ी महंगी है इसलिए। और अगेन गोरा होने के लिए इसको हम ज़ोर ज़ोर से रगड़ेंगे। रगड़ना शुरू, थोड़ी देर तक इसको रगड़ना है चेहरे पे ताकि हम और गोरे दिखें। कनिका ऑलरेडी इतनी गोरी है, उसके बाद भी इतनी क्रीम लगाती है, मे भी शायद एवरी मोमेंट डो दिस। और थोड़ा सा गर्दन पे लगाएंगे। नाउ अगेन हमारे पास है गुब्बारा, गुब्बारे से हम लगा रहे हैं शायद फाउंडेशन। फाउंडेशन लगाते हैं थोड़ी थोड़ी करके और गोरा होने के लिए, बिकॉज़ हम अमेरिका में रहते हैं तो हमें अंग्रेज़ों को कंपटीशन देना है, इसलिए हमें और गोरा होना है। थोड़ा सा इसको हम नाक पे लगाते हैं और थोड़ा आँखों के नीचे एकदम ब्राइट होने के लिए। अब आप देखोगे चेहरा एकदम चमक चुका है। अब हम लगाएंगे कुछ लिपस्टिक जैसा, शायद से लिप बाम। और अब इसके बाद हम लगाएंगे आईब्रो लाइनर। थोड़ा सा इस आईब्रो सेट करते हुए अब हम आईब्रो सेट करेंगे, थोड़ी सी राइट वाली भी, थोड़ी सी लेफ्ट वाली। अब यहाँ आईब्रो सेट करके फिर हम लगाएंगे रेवलॉन का मस्कारा, शायद, पता नहीं ये क्या लगा रही है, कुछ कुछ डार्क करने के लिए। इससे बढ़िया तो डाई लगा लेती, एकदम जेड ब्लैक हो जाता। अब ये कंप्लीट हुआ, आईब्रो एकदम जेड ब्लैक। नाउ कुछ एक और क्रीम है, फिर से सेम कलर की क्रीम लगा रहे हैं डार्क सर्कल छुपाने के लिए। ये जो रात रात भर हम YouTube की वीडियो बनाते हैं उससे डार्क सर्कल आ चुके हैं कनिका के, इसलिए उन्हें छुपाने के लिए कनिका अपने डार्क सर्कल छुपाने के लिए ये क्रीम लगा रही है। ये बिल्कुल देखिए एक छोटा गुब्बारा भी यूज़ कर रहे हैं हम। अब इस छोटे गुब्बारे से हम एकदम आँखों के नीचे चमका देंगे ताकि ऐसा लगे कि हम फ्रेश नींद ले कर उठें, और एकदम चमकाते हुए अपनी आँखों को। फिर से कुछ आईब्रो का लग रहा है, वेट अ मिनट, ये तो कुछ ड्राइंग सी लगी है। पहले पुराने ज़माने में आदिवासी लोग ट्राइब्स करते थे ऐसे कुछ, मुझे तो ऐसे ही कुछ लग रहा है ये डिज़ाइन। और आप देख रहे हैं कंसिस्टेंसी, देखिए आप ये साइड में एकदम लाइन खींचते हुए, और ये कुछ आईब्रो वो किसी के आँखों से निकाल निकाल के लेकर आई है। देखिए नकली आईब्रो, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। अब नकली आईब्रो पे कुछ क्या पेंट हो रहा है, आई थिंक ये ग्लू लगाया इसने। अब ये लगा रही है ग्लू और ये नकली आईब्रो लगा दी इसने, और सॉरी आई लैशेस। अब ये आई लैशेस लग रहे हैं नकली, ऑब्वियसली अच्छा लगेगा। देखिए ये पेंट, ये बिल्कुल वैसे सेम पेंट है जब बचपन में हम अपने ड्राइंग क्लासेस में ले जाते थे, सेम पेंट किया जा रहा है। कुछ कुछ ऑरेंज अच्छा लग रहा है, और अभी से दूसरी जगह पे भी बनाया जाएगा सेम। वेल डन, नाउ लेट्स मूव ऑन विद अदर प्रोडक्ट। ये है कुछ अगेन आईब्रोज का, आई लैशेस का कुछ है, ओके आई थिंक मस्कारा था। और ये है अगेन आपके लिप्स के लिए कुछ डार्क या पिंक करने के लिए कुछ। इतना ज़्यादा अगेन ये पेंट हो रहा है, देखिए तीसरा प्रोडक्ट है लिप्स पे, ये आपके लिप्स को और पिंक बनाते हुए। अब हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट बहुत अच्छा, अगला प्रोडक्ट हमारा कुछ ब्लश है, देखते हैं। ऐसा मुझे कुछ लग रहा है ये जैसे हम दीवारों पे धूल जम जाती है ऐसे कुछ। अब इसका पाउडर सा लगाया जा रहा है जस्ट टू ग्लो योर चीक्स। और ये मुंह बनाते हुए
आई थिंक ये मुंह बनाने से ज़्यादा अच्छा ग्लो आता है, तो ऐसा मुंह बनाने से मेकअप अच्छा होता है आई थिंक। ये बिल्कुल पता नहीं कितनी बार रगड़ा जाएगा इस ब्रश को। ब्रश का अगर आप कलर देखोगे खुद उतर चुका है। अब ये नया कुछ आइटम है, इसमें सिर्फ चार ही कलर हैं। ये मुझे कुछ मिठाई जैसा लग रहा है, जो हमारे यहाँ काजू कतली आती है ऐसे कुछ। अब उसको भी निकाल के एक छोटे ब्रश से फिर से पेंट स्टार्ट होगा। और फिर से अगेन इस ब्रश को भी आप देखोगे तो इसका भी पेंट उतर चुका है कर कर के। अब रगड़ा रगड़ी ख़त्म करके हम मूव करेंगे अगले प्रोडक्ट पे। फिर से कोई क्रीम है, मुझे तो येलो जैसी दिख रही है कुछ। इसमें एक और छोटा गुब्बारा डाल के और फिर से आईब्रो के नीचे हम लगाना स्टार्ट करेंगे। आई थिंक हमारी आईब्रो अभी तक डार्क ही लग रही है, फिर से इसे हम ब्राइट करेंगे। थोड़ा सा लगाना है आईब्रो के नीचे और फिर से दूसरी आँख के नीचे। अभी तक 4 से 5 लेयर चढ़ चुकी है मेकअप की आँखों के नीचे। और ये इन्जॉय करते हुए फिर से लगाया जा रहा है। अब इस बार अपने साइड चीक्स में लगाते हुए फिर से एक और छोटा ब्रश। छोटे ब्रश से करने में अराउंड नहीं, ब्रश की भी हालत ख़राब हो चुकी है, रगड़ रगड़ के पूरा पेंट हो चुका है। अब तक चेहरे पे 4-5 लेयर हो चुकी है। थोड़ी देर तक मेकअप को ब्लेंड किया जाएगा ताकि लगे ना कि लगे कि हम नेचुरल ब्यूटी हैं। अब ब्लेंड करने के बाद कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। अगला प्रोडक्ट कुछ स्प्रे सा है, क्या है ये, पानी है, जेल, क्या परफ्यूम मारा जा रहा है चेहरे पे और फिर हवा की जा रही है। इससे मेकअप आपका 24 आवर्स तक लास्ट करेगा आई थिंक सो। और अब हम तैयार हो चुके हैं मेकअप के बाद, आप देख सकते हैं एकदम नेचुरल ब्यूटी बन के हम लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे। आई होप यू एंजॉयड आवर वीडियो। विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन स्टे सेफ एंड कीप स्माइलिंग।